Hello friends, I am Sadia, a tiny YouTuber from Pakistan. I make videos of cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlogs and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Kaise hain aap sab? Umeed karti hoon aap sab bahut acche honge और अपने घरों में खुश और आबाद होंगी। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे दुआ में याद रखेंगे और आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त रात के बज रहे हैं शायद 3, जी हाँ रात के 3 बज रहे हैं और मुझे शदीद नींद आ रही थी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो मुझे बार बार जो वो उठा रहे थे, तंग कर रहे थे कि मैं जाग रहा हूँ तो तुम भी जागो, और कभी मुझे कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है तो मैंने कहा बाहर से कुछ ले आए, नहीं अभी बारिश हो रही है तो तुम घर पे आलू के पराठे बनाओ। अब आपको पता है कि हस्बैंड की मान नहीं पड़ती है, खुद देखिए ये मुझे कह के मैं फाइनली उठ गई और ख़ुद ये सो गए और बाकायदा खर्राटे लेके सो रहे हैं। मैं भी आपको इनकी आवाज़ सुनवाती हूँ कि खर्राटे लेके सो रहे हैं ये और मैं खुद अकेली किचन में। खैर मैं उठ के जल्दी से मैंने आलू का जो मसाला तैयार किया है, आटा मैंने वैसे रात में गूंद लिया था जो कि सुबह नाश्ते में यूज़ होना था। मैं ठीक से कह रही थी कि अब आप उठ जाए ना, खुद आप सो गए और मुझे रात की, मैं आपको अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ कि रात के इस वक्त 4 बज रहे हैं, शायद 3-4 बजे का टाइम, और अभी अभी गरम गरम मसाला, जैसे कि अभी आपको इसमें से नज़र आया होगा ना, भाप अभी भी निकल रही है, मसाले के ठंडे होने का वेट कर रही थी और इनको उठा रही थी कि अभी आप उठ के बैठ जाएं, अकेले मैं इस वक्त जो वो बना रही हूँ। तो टाइम इस वक्त जो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है, 4:45 हो गए फजर के, फजर का टाइम है और हाल देखिए ज़रा इनका। खुद सो गए और यहाँ पर फिर मैंने फाइनली जो वो मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे तैयार कर लिए और बड़ी मुश्किल से इनको उठाया कि पहले आपने मुझे नहीं सोने दिया और जब मैं उठ गई हूँ और मैं नाश्ता पराठे बना रही हूँ आपके लिए रात की इस पहर और आप खुद सो गए। फिर बड़ी मुश्किल से इनको उठाया तो इन्होंने जो है वो ये पराठे खाए और तारीफ तो करना इनको बिल्कुल नहीं आती, चीज़ अच्छी भी बनी हो तो पता नहीं क्या, शायद सारे हस्बैंड ही ऐसे होते हैं। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे पता है कि अच्छे बने हैं तो अच्छे बने हैं। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, इट्स ओके। वेलकम बैक एंड इट्स अनदर डे और आज है वो हमने, अच्छा कल आप लोगों में से काफ़ी सिस्टर्स ने मुझे कहा कि आपने तो ये बहुत गलत किया हुआ है, आपने स्टोव को जो है रूम में क्यों रखा हुआ है। तो वाकई में कभी कभी इंसान में शायद इतनी अकल नहीं होती है, मुझे नहीं पता था कि इससे तो फर्नीचर जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो मुझे सिस्टर की कॉल आई जैसे उसने वीडियो देखा, कॉल करते उसने मुझे बोला सबसे पहले तो अपना चूल्हा उठा के बाहर रखो ना, फिर मैं तुम्हारे से कोई और बात करूँगी। फिर मेरी एक फ्रेंड है आयशा, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कॉल करती बोला सबसे पहले चूल्हा उठा के बाहर रखो ना, फिर तुम्हारे से बात करती हूँ। और उसके अलावा आप सब सिस्टर्स ने भी मुझे बहुत सजेशंस दी
ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप इसको निकालें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई कभी कभी इंसान को नहीं समझ में आता, सो आज मैंने देख सका, आप प्लीज़ इसको उठा के बाहर रख दीजिए। हम अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे आप हीटर नहीं बाय कर सकते और ये वो, तो हंसी आ रही थी मुझे कुछ कमेंट्स पढ़ के, लेकिन इट्स ओके, उनको पॉजिटिव मैं ले रही हूँ। वाकई में ऐसा है कि कुछ सुस्ती हो रही है हीटर बाय करने में, जाने के लिए। खैर, चूल्हा जो मैंने किचन में लगाया, मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया है ताकि आराम से बैठ के जो वो नाश्ता कर लिया जाए और बना भी लिया जाए। और आज नाश्ते में क्या है, तो आज मैंने नाश्ते में जो है वो बनाए हैं सिंपल पराठे, मतलब देसी घी वाले पराठे बनाए हैं। उनमें से पेड़ा जब बनाते हैं, हम डो बनाते हैं रोटी के लिए, उसमें हल्का सा अंदर घी लगा के बनाते हैं ना जब, तो बहुत क्रिस्पी सा पराठा बनता है, मतलब इजी भी है और क्रिस्पी उसमें आ जाते हैं। जैसे कि हम बल वाला पराठा बने, वो तो खैर नहीं बनाया था, जल्दी थी, अतीक को जाना था शॉप पे। तो खैर, साथ में जो मैंने सरसों का साग जो कि बाबा के घर से आया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सो उसको मैंने तड़का लगाया। साथ में अतीक को मक्खन पसंद है, वो रखा और हम लोगों ने एक मज़ेदार सा जो वो ब्रेकफास्ट किया। मैंने यहाँ पर टेबल जो वो रख के उनका अतीक यहीं पर बैठ कर आज हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि बेड पर खाना खाना अच्छी बात नहीं होती है और बहुत सारे लोगों को भी बुरा लगता है, वो कहते हैं, तो आज हम इधर नाश्ता करेंगे। सब मैंने यहीं पर टेबल रख दिया करना है, खाना भी यहीं पर खाएंगे, नाश्ता भी यहीं पर करेंगे, इस टेबल को उठा के रूम में रख दिया करेंगे। सो ये है हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल। तो बस ये है हमारा नाश्ता। अतीक के जाने के बाद मैं बाकी के काम अपने ख़त्म कर लूँगी। तो अभी जब वो नाश्ता करने के बाद अतीक जा चुके हैं, अभी मुझे जो है वो सबसे पहले किचन को क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा मैस नहीं है, जो थोड़े से बर्तन हैं उनको साफ़ करना है, और उसके बाद जो वो जैसा कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा कल से, तो वो जूते के साथ इतनी सारी मिट्टी आ गई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारी मिट्टी जो वो अंदर आ गई है, मुझे क्लीनिंग भी करनी है। हालाँकि मैंने कल बहुत अच्छे से सफाई की थी सारी, लेकिन शूज़ के साथ सारी मिट्टी अंदर आ जाती है। वो खैर, अब मैं इसको अच्छे से पहले सफाई करूँगी सारी, और उसके बाद जो वो अपने काम जो है वो समेट लूँगी। मैं आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ना अंदर पता नहीं चलता, आपको गेट खोल कर देखना पड़ता है, तो मैं हल्का सा गेट खोल के आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। तो देखिए कितना मज़े का वेदर हो रहा है, लेकिन ओहो सॉरी, गला ख़राब हो गया मेरा। मैं अल्लाह का शुक्र है इस ठंड से बची हुई हूँ, तो अल्लाह करे कि मैं बची रहूँ सब जब इसके असरात में आते हुए, बुखार, किसी को फ्लू, किसी का गला ख़राब। तो कल थोड़ा सा मुझे भी फील हो रहा था, गले में ख़राश महसूस हो रही है, लेकिन आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मुझे ना गला ख़राब हो, कोई फीवर वीवर कुछ भी ना हो, बस अल्लाह पाक सबको सेहत के साथ रखे, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, और जब ये होती है तो तब इसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। सो अभी देखिए रूम भी ऐसे बिखरा हुआ है, अभी मुझे इसको भी क्लीन करना है। उसके बाद जो हमने स्टोव उठा के बाहर रख दिया, तो इस टेबल पर भी जो वो काफ़ी ऐसे ग्रीस सी हो गया, ये टेबल काफ़ी सारा, इसको मुझे क्लीन करना है। बाहर का वेदर दिखाने की कोशिश कर रही थी इस विंडो से, जो कि दिखाने में बिल्कुल नाकाम रही मैं आपके साथ। खैर, अभी जो वो मेरा ख्याल है इस घूमने फिरने को करते हैं ख़त्म और शुरू करते हैं अपने काम, और जल्दी से जो पहले जो कपड़े वगैरह इधर उधर बिखेर कर जाते हैं उनको समेटती हूँ, और फिर क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। और अभी जो वो मैंने बर्तन धो लिए हैं सारे और चीज़ें समेट ली हैं, अभी जो है वो ये बर्तन, अभी मुझे ना वो रैक लेना है प्लेट्स वाला, इसलिए ऐसे बर्तन यहाँ पे बिखरे बिखरे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इनको धो कर रखती हूँ ना, जब ये ड्राई हो जाते हैं ना, फिर मैं इनको इस वाली अलमारी में रख देती हूँ।
जी जो वो गुजारा हो जाता है, लेकिन बस इंशाल्लाह अभी बाज़ार जो वो मार्केट जाना नहीं हो रहा था। खैर अभी जो वो ये देखिए नीचे सारे जो मिट्टी वाले पाँव आ जाते हैं ना, थोड़ा सा भी हल्का सा कोई मिट्टी वाला आ जाए ना जूता तो फ़ौरन से फ़र्श गंदा हो जाता है। अभी जो वो जल्दी से मैं यहाँ पर पानी बहा के और फिर उसको ऊपर से वाइप कर दूँगी और फिर जो वो ये फिर से अच्छे से क्लीन हो जाएगा घर, इसका जो फ्लोर है। तो चलिए करते हैं। किचन की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम की तरफ और यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले अपना जो बेड सेट किया है, ब्लैंकेट को फोल्ड किया। आपको पता है जब तक बेड ना सेट हो ना तब तक आपको रूम बिल्कुल गंदा लगता है, और अगर आप बेड सेट कर लेना तो 90% ऐसा लगता है रूम आपका क्लीन हो गया है। ये मेरी लॉजिक है, पता नहीं आप लोग क्या कहेंगे इसको। खैर इसको करने के बाद अभी जो मैं थोड़ा सा इस टेबल को साफ़ करूँगी और काफ़ी ग्रीसी हो गया ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस पर स्टोव रखने की वजह से। खैर इसको मैं इस बार स्प्रे के साथ जो वो करूँगी क्लीन, जो कि काफ़ी अच्छा है, ग्लास क्लीनर है ये। और सबसे पहले मैं इसको इससे क्लीन करूँगी खाली, और उसके बाद जो है वो स्प्रे करने के बाद इसको साफ़ करूँगी और लेट्स सी कि कैसा होता है ये। खैर आप लोगों में से मैंने आप सब सिस्टर्स को ख़ास तौर पर शुक्रिया बोलना था जो मुझे कमेंट्स करते हैं और जो लोग मुझे कहते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, जिनके नाम मैं नहीं ले पाती हूँ उनसे माजरत के साथ कि इतने सारे नाम होते हैं ना कि वो फिर अक्सर जो वो मिस हो जाते हैं। तो अगर कोई मिस भी हो जाए तो आप नाराज़ ना हुआ कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम जानबूझ के ना इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना वो इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन हमारा इग्नोर करना हमारा मतलब या हमारा मकसद नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, बहुत अच्छा लगता है आप सब भी जब आप सबकी जब दुआएं हम पढ़ते हैं कमेंट्स में। बस अपने प्यार और दुआएं हमारे साथ रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे काम जब फिनिश हो जाते हैं ना फिर आपको पता है रेस्ट करने का मज़ा भी आता है। तो मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी हैं कि फालतू में लाइट्स क्या ऑन करनी है। तो क्लीनिंग सारी हो गई है ये देखिए, उसके बाद अभी जो है मैं आराम से ये लाइट ऑफ करती हूँ। और ये
हमारा हीटर भी है और हमारा किचन भी, रूम चूल्हा भी। अब मैं यह दूध पीऊँगी और काम करते मैंने ये बैंगल्स निकाल दी थी क्योंकि थोड़ी इरिटेट करती है ना वो। और साथ में खाएंगे हम ये वाला डोडा और साथ में पतीसा। आज जो मेरे लिए बाबा लेकर आए हैं स्पेशल, तो चलिए अभी हम खाते हैं इसको और मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।